उसको रेंजर्स के एहलकार जो है वो तोड़ के उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो उसका गालिबान मालिक है वो धमाके के बाद जो है वो दुकान बंद करके शायद चला गया है। और ये अच्छा जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ कोई सस्पिशियस चीज मौजूद हो सकती है, तो इसलिए एहलकार उसको तोड़ के उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त ऐलान यह किया जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पर गैर जरूरी अपराध है तो वो जगह खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पर वो हर जगह तलाशी लेने की कोशिश की जा रही है। और जो दूसरा धमाका था जहाँ पर जो पाकिदा पकवान है उसके नीचे हुआ है, वो गालिबान इस तरह से प्लान किया गया था कि पहले धमाके के बाद लोग जब उस तरफ रश कर रहे होंगे तो उसी वक्त दूसरा धमाका था, ताकि उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो सके, उससे नुकसान ज्यादा हो सके। लेकिन जो दूसरा धमाका उसके बाहर और इन दोनों के बाद जो धमाके से जितना नुकसान हुआ उसके अंदाजा लगाया जा सकता है, कम से कम 8 से 10 अपराध इसमें जरूर जख्मी हुए होंगे, जिनमें से 2 से 3 की हालत जो है वो नाजुक होगी। नसीम, क्या जख्मियों को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है या अभी भी वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हो सकते हैं? नहीं, इस वक्त यहाँ कोई जख्मी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त भी 12 से 15 एम्बुलेंसें खड़ी हुई है कि अगर कोई जरा सा भी जख्मी है तो उसको कोई हेल्प की जाए, और तकरीबन 8 से 10 पुलिस मोबाइल भी खड़ी हुई है। इस वक्त यहाँ कोई एक भी जख्मी मैं नहीं देख सका हूँ जब से मैं आया हूँ, यानी कि तकरीबन 10 मिनट की अस्थि में यहाँ कोई भी जख्मी नहीं था। फौरी तौर पर उन जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया होगा। नसीम हैदर, आप अपना ख्याल रखिए। और ये बात जो शुरू में की गई थी कि लोग यहाँ पर जमा ना हो, क्या पुलिस उन्हें वहाँ से हटा सकी है या अभी उसी तरह रश है इस जगह पर? इस वक्त यहाँ पर कम से कम 800 से 900 अपराध जमा होंगे, और सुपर हाईवे ब्लॉक कर दी गई है, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी मंगाई गई है एहतियातन गाड़ी बन, चूंकि यहाँ कोई ऐसी आग या कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे जिसकी उसकी जरूरत हो, लेकिन उसे बुलाया। नसीम हैदर, आप हमारे साथ रहेगा, मजीद आपसे मालूम लेंगे। इस वक्त आपको अफसोसनाक खबर दे दें, इसी धमाके से मुतालिक ताजा खबर ये है कि अंचोली में चाय के होटल के बाद जो धमाके हुए इनमें 4 अफराद जान बहक हो चुके हैं। जिन जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया था इनमें से ये बताया जा रहा था कि 4 अफराद की हालत इंतहाई नाजुक है। और इस वक्त ये अफसोसनाक ताजा तरीन खबर के होटल के बाहर हुए 2 धमाकों में 4 अफराद जान बहक हो चुके हैं, 15 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए थे। अब ये ताजा तरीन खबर यह है कि 4 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जोरदार ये धमाके हुए हैं और 2 मुख्तलिफ जगहों पर कुछ ही फासले पर 1 मिनट के वक्फे से दोनों धमाके किए गए हैं, जिनमें बजाहिर वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, दुकानें तबाह हो गई हैं। पुलिस और रेंजर्स की नफरी इस वक्त वहां पर मौजूद है और सूरत हाल से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ताजा तरीन खबर यह है कि इस धमाके इन 2 धमाकों में 4 अफराद जान बहक हो चुके हैं।